जब इस स्मार्टफोन को आप अपने हाथ में पकड़ोगे ना तो दो चीजें आप लाजमी नोटिस करोगे। सबसे पहले तो इसका वेट, दूसरा इसका डिजाइन। ये है स्पार्क्स 11 अल्ट्रा जिसकी प्राइस 31,000 है, लेकिन ये इससे कम भी मतलब 28-29,000 में देखने को मिलता है आपको आफ्टर डिस्काउंट, जिसमें 8GB रैम आती है, ग्लास बिल्ड आती है, एलुमिनियम फ्रेम आते हैं, G88 आता है और बहुत सारे ऐसे फीचर आते हैं जो कि 30,000 के प्राइस में आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। आज के वीडियो में सबसे पहले तो आउटडोर के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने आउटडोर में भी इसके काफ़ी सारे टेस्ट किए ये देखने के लिए कि एक नया ब्रांड है इसमें कैसे हमें सेंसर वगैरह प्रोवाइड किए गए, और मैं ये चेक करना चाहता था और ये सारे टेस्ट किए मैंने वीडियो के आगे में, वो भी सब कुछ दिखाने वाला। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स दिया गया जिसमें 16GB रैम मेंशन की गई है स्पार्क्स 11 अल्ट्रा, नीचे 8GB प्लस 8GB एक्सटेंड कर सकते हो, आपको मेन 8 ही है लेकिन 8 आप मेमोरी के थ्रू उसको बढ़ा सकते हो, 128GB बैटरी स्टोरेज है और 50MP क्वाड कैमरा और 16MP का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको दिया गया। डब्बे के अंदर एक और डब्बा आपको दिया गया है। सबसे ऊपर आपको आपको एक स्मार्टफोन दिया जाता है, साथ में कुछ आपको यूजर मैनुअल प्रोवाइड किए गए हैं और एक इसका वारंटी कार्ड वगैरह डिवाइस की तस्दीक करने के लिए ये डिप्लॉय की तरफ से कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। नीचे आते हैं तो आपको एक केस दिया गया है जो कि कुछ ऐसा टीपीयू केस है, साथ में आपको एक टाइप सी केबल दी गई है और एक 18W का चार्जर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी स्मार्टफोन की काफ़ी प्रीमियम प्रोवाइड की गई है, मेटल्स के फ्रेम आते हैं, बैक पर ग्लास प्रोवाइड किया गया है और इसमें ये वाला जो वाइट कलर है आई लव इट भाई, सीरियसली इसमें एक और भी कलर आता है वो ब्लू कलर है। स्पेक्स की नहीं रियल इन्वायरमेंट की बात करते हैं क्योंकि मैं इस टाइम रियल इन्वायरमेंट में और इसको टेस्ट कर रहा था, तो इसका एम्बियंट सेंसर मैंने चेकआउट किया है। एम्बियंट सेंसर आपको नहीं पता जिनको बता दो, ये सेंसर आप जब भी लाइट में जाते हो ना, धूप में जाओगे या रोशनी में जाओगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाता और कम करता है, तो इसमें एम्बियंट सेंसर काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे मैंने और स्मार्टफोन देखे हैं जिनके एम्बियंट सेंसर इतने अच्छे नहीं आते, जब भी आप धूप में जाते हो और वापस अगर छांव में आते हो तो भाई उसमें काफ़ी डिले होता है लाइट कम होने में, और ये वाला सीन मैंने रात में बहुत ज़्यादा फ़ोनों में नोट किया और इससे आंखें भी काफ़ी दर्द होती हैं और इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इवन मैंने इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी चेकआउट किया है, हम रियल लाइफ टेस्ट में बात करते हैं ना कि स्पेक पे, तो इस फोन का वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब जिसको ये भी नहीं पता वो भी बता दूँ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब भी आप किसी को कॉल करते हो अपने कान के साथ फ़ोन को लगाते हो और आपका जो फ़ोन का डिस्प्ले वो ऑफ करने के लिए जो सेंसर यूज़ होता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, और इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ना कि दूसरे फोन्स की तरह जिसमें स्क्रीन कान के साथ लगाओ तो बंद ही नहीं होते स्क्रीन। अब इसके मैंने फिंगरप्रिंट का भी रियल लाइफ टेस्ट किया है, रियल लाइफ टेस्ट में इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट आता है लेकिन इसमें माइनर सा डिले डिस्प्ले को ऑन होने में लेता है, बाकी फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इस फोन में आप जब इसको ओपन करोगे ना बॉक्स में तो इसमें कोई भी प्रोटेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बॉक्स में आता है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता अप्लाई करना तो भाई जिनसे आप ये फ़ोन लोगे ना उनको बोलोगे तो वो अप्लाई करके आपको ये दे देंगे, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है इसमें आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपके इसमें स्क्रैच वगैरह और गिरेगा तो टूटने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि भाई इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी बड़ा आता है, ये है 6.67 इंच का एक IPS डिस्प्ले जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और फुल HD+ रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले आपको इसमें प्रोवाइड किया गया। कलर वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो आउटडोर ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और इनडोर ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई, लेकिन एक चीज़ है कि डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको बड़े डिस्प्ले पसंद है देन आप इसकी तरफ आ सकते हो, लेकिन एक चीज़ ये भी है जब इतना बड़ा आप डिस्प्ले यूज़ करते हो ना, पावर ऑन ऑफ बटन है उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है वहाँ तक तो आपका फिंगर अच्छे से चला जाता है थंब, लेकिन जब आप वॉल्यूम अप करना चाहते हो तो वॉल्यूम अप करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा ऊपर ला के वॉल्यूम अप करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का एक और भी हाल है, इसमें आपको सिंगल हैंडेड मोड एक प्रोवाइड किया गया जिसको जाके आप सेटिंग में ऑन कर सकते हो, इसको जस्ट आपने ऐसे करना है जो सेंटर वाला बटन है इसको लेफ्ट या राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये छोटी राइट की तरफ हो जाएगी, और अगर इसको राइट की तरफ स्वाइप करोगे बटन को पकड़ के तो ये राइट की तरफ छोटा स्मार्टफोन हो जाएगा, तो इसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। अब इस स्मार्टफोन में 90Hz का जो रिफ्रेश रेट दिया गया वो भाई 60Hz और 90Hz दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप 60 अगर यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे सेट कर दो, 90 करना चाहते हो तो वहाँ पे सेट कर दो, अगर आप चाहते हो कि ऑटो हो जाए तो ऑटो भी देन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई ऑटो पे रखना, आपकी बैटरी भी सेव होगी, और मैंने ऑटो पे इसके टेस्ट किया है, जब आप इस पर काम कर रहे होते हो ना या फिर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तो ये भाई
90 हर्ट्ज पे चलता है, और जब आप इसको रख देते हो ना फोन को, या आप इसको महसूस होता है कि आप इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, देन ये 60 हर्ट्ज पे चला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बैटरी को सेव करने के लिए। वैसे तो स्मार्टफोन में कुछ ज़्यादा फीचर आते हैं क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड प्रोवाइड किया गया है। एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स इसमें प्रोवाइड किया गया जो कि स्पार्क से यूआई के साथ में आता है। ये स्टॉक एंड्रॉयड ही जिसमें स्टॉक फीचर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी स्पार्क ने अपनी तरफ डाल के दिए जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जो सबसे पहला ना वो OTG रिवर्स चार्जिंग है, मतलब इसको एज ए पावर बैंक भी आप यूज़ कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है जो कि भाई आईफोन यूज़ करते हैं। आप अपने आईफोन को इसके साथ चार्ज भी कर सकते हो, इसको हॉटस्पॉट भी दे सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन पीटी आईफोन यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगी ना वो ड्यूरा स्पीड का है। इसमें ऐसे वर्क करता है ये ड्यूरा स्पीड, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड पे रखना चाहते हो और चाहते हो कि उसकी नोटिफिकेशन या बैकग्राउंड पे वर्क करती रहे, तो ड्यूरा स्पीड जाके टर्न ऑन कर लेना और ऐप को भी टर्न ऑन कर देना, देन वो बैकग्राउंड में आपके चलती रहेगी, बाकी सारी एप्लीकेशन को बंद कर देगा। इससे तो एक ये होगा कि आपकी रैम सेव होगी जिससे आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाओगे, और दूसरी बैटरी भी सेव होगी। अब इस स्मार्टफोन के यूआई में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यूआई बहुत ही सिंपल सा दिया गया है, कोई डॉटवेयर नहीं, एक्स्ट्रा कोई ऐप नहीं, इवन स्पार्क्स का भी अपना कोई ऐप नहीं है, सारे गूगल्स की ऐप देखो मिलते और कोई भी ऐप नहीं इन्होंने दिया। मैंने कुछ ऐप इंस्टॉल किए हैं चीज़ें ट्रांसफर करने के लिए, और व्हाट्सएप वगैरह किए हैं कॉल चेक करने के लिए, एम्बियंट सेंसर वगैरह चेक करने के लिए, और ये माइक और स्पीकर चेक करने के लिए, तो और इसमें कोई भी ऐप इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया। अब कैमराज की बात करूँ तो इसमें 4 कैमराज बैक पर दिए गए, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ में AI कैमरा और AI कैमरा ऐसा QVGA कैमरा, ऐसे 2 कैमराज देखने को मिलते हैं जो कि AI के थ्रू काम करते हैं। तो इनमें कैमराज की गेम की बात करूँ तो कैमरा के कुछ सैंपल ये देखने को मिलते हैं। इस मोबाइल फोन का बैक कैमरा, अब मैंने उल्टी स्क्रीन उतर की हुई है और आप अब मुझे देख पा रहे हो, इसमें बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया जो कि EIS के साथ में आता है, और 1080p तक मैक्सिमम आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये है कुछ आपके पास लाइटिंग की, सबसे पहले तो मैं लाइटिंग देख लूँ बैक से लाइटिंग अगर कैसी लेता है, तो पीछे आप मेरे सूरज है, आप देख सकते हो कैसी लाइटिंग है, और फ्रंट पर लाता हूँ तो फ्रंट पर भी आप देख सकते हो कितनी हार्श लाइट है, लेकिन ये तो अब मुझे जब एडिट करूँगा तब ही पता चलेगा कि इसको लाइटिंग को कितना अच्छा ही मैनेज कर रहा है स्मार्टफोन। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर दिया गया है। इस मोबाइल फोन में 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग आती है। अब 5000mAh की बैटरी काफ़ी बड़ी बैटरी है। मैंने इस स्मार्टफोन को 3 दिन चलाया 100% पे, सारे टेस्ट किए, गेमिंग किए, सब कुछ करके देखा, अभी जाके ये स्मार्टफोन बंद हुआ है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग चाहिए देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।